अभिनय जगत के लिए, एक्टिंग की दुनिया के लिए एक बार फिर से एक बुरी खबर आई है। सिर्फ 26 साल की उम्र में टीवी के मशहूर कलाकार करण परांजपे का निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। टीवी के मशहूर एक्टर करण परांजपे इस दुनिया में नहीं रहे। 26 साल की उम्र में करण का निधन हो गया। हालांकि करण का निधन कैसे हुआ इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन खबरों की माने तो उनका शव उनके कमरे में ही मिला। करण को मशहूर टीवी शो दिल मिल गए से पहचान मिली थी। जी हाँ, वही दिल मिल गए जिसमें करण जिग्नेश की भूमिका निभाया करते थे। अपने प्रिय किरदार की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है, टीवी जगत सदमे में है। 26 साल के करण परांजपे का शव उनकी मां को सुबह 11 बजे उनके कमरे में मिला। करण को दिल मिल गए शो से अच्छी खासी पहचान मिली थी। शो में उनके किरदार को काफी पसंद किया जाता था। करण की मौत की खबर उनके को स्टार करण वाही ने दी है। करण वाही ने एक इंस्टा अपडेट में जिग्नेश की मौत की खबर बताई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। करण परांजपे दिल मिल गए से फेमस होने के बाद कई शो में क्रिएटिव हेड की तरह जुड़ चुके थे। उनकी इतनी कम उम्र में मौत से हर कोई सदमे में है। करण के परिवार में केवल उनकी माँ है और वो उनके इकलौते बेटे थे। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें नींद में हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। दिल मिल गए के अलावा करण परांजपे ने संजीवनी सीरियल में भी काम किया था। दिल मिल गए शो में करण के कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया था। शो में उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद करण परांजपे कई टीवी सीरियल्स में नजर आए और कई टीवी सीरियल्स के क्रिएटिव हेड के तौर पर जुड़े। लेकिन फिलहाल टीवी जगत, अभिनय जगत सदमे में है करण परांजपे के ऐसे अचानक निधन हो जाने से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।